वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। अपनी अज दी वीडियो दा विषय है कि 14 जनवरी भाव माघी वाले दिन जदों आपां सवेरे अमृत वेले उठना है, उठ के इशनान करना है, तां इशनान करन तों पहला इस बाणी दा पाठ करके इस तरीके दे नाल अरदास करनी आ कि मेरे कलगीधर पातशाह जी दी बेअंत कृपा वरतेगी, जो मंगोगे मेरे कलगीधर पातशाह उही चीज तुहाडी झोली दे विच पा देणगे। तां अमृत वेले उठ के इशनान करन तों पहला केड़ी बाणी पढ़नी आ, किंज अरदास करनी आ, इह सारी ही गल आपां अज दी वीडियो विच करांगे। इस करके पूरी वीडियो नूं अंत तक ध्यान दे नाल सुनना अते समझना अते कमेंट बॉक्स दे विच जा के धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी जरूर लेके आउणा। ए बेनतियां सारिआं दे अगे हाथ जोड़ के ने ते आओ अज दी वीडियो विच गल करदे आं कि 14 जनवरी माघी वाले दिन इशनान करन तों पहला आपां केड़ा पाठ करना है। तां देखो जी, माघी वाला दिन माघ महीने दी संगरांद दा इह बड़ा ही महान बड़ा ही पवित्र दिन है, जिस दिन मेरे कलगीधर पातशाह ने 40 सिखां सिंघां वल्लों लिखिया होया बेदावा पाड़ के उन्हां नूं मुक्त कर दिता सी, उन्हां दी टुट्टी हुई प्रीत नूं गंढ दिता सी। इस करके इस दिन नूं बड़ी ही श्रद्धा ते धूमधाम दे नाल मनाया जांदा है। जिस दिन सारियां ही सिख संगतां गुरु घर जांदियां ने, जाके सेवा करदियां ने, इशनान करदियां ने, अते घरां दे विच वी इस दिन अमृत वेले उठ के सब तों पहला केशी इशनान कीता जांदा है, फिर बाणी पढ़ के पातशाह दे चरणां विच हाजरी लगवाई जांदी आ। अमृत वेले उठण वाले पक्के नितनेमी उह तां रोजाना ही अमृत वेले उठदे ने, पर इस दिन आलसी तों आलसी बंदा वी उठ के इशनान करदा है, गुरु घर जांदा है। इस दिन दी इन्नी महानता है, तां इस दिन दा आपां वी पूरा पूरा लाहा लैणा है, क्योंकि इस दिन दी महानता इस लई आ कि तुसी सोचो कि जदों सरसा नदी दे कंडे मेरे कलगीधर पातशाह जी दे सारे परिवार दा विछोड़ा पै गया सी, तां सरसा दी नदी दे पानी दी भेंट मेरे कलगीधर पातशाह जी दा सारा कीमती समान रुड़ गया। जो भी सोना धन दौलत सी इथों तिकर कि कीमती बाणी दे ग्रंथ भी कई रुड़ गए, पर कदे सोचिया कि कलगीधर पातशाह जी दे कोल ओ 40 सिंघां वल्लों लिखिया होया बेदावा अज तक भी सलामत सी। ओ इस करके क्योंकि मेरे कलगीधर पातशाह ने ओ बेदावा बड़ा सांभ के अपने कमर कस्से विच रखिया सी अते उस नूं हमेशा अपने कोल रखदे सी। ओ कोल क्यों रखदे सी? क्योंकि उन्हां नूं अपने सिखां दे उत्ते, अपने सिंघां दे उत्ते, अपने खालसे दे उत्ते पूरा विश्वास सी कि मेरे सिंह, मेरे प्यारे, मेरे पुत्र एक ना एक दिन जरूर वापस आउणगे, उन्हां नूं उन्हां दी गलती दा एहसास जरूर होवेगा। तां होया वी इंज, मेरे कलगीधर पातशाह जी दे विश्वास दे उत्ते, भरोसे दे उत्ते खरे उतरे ओ 40 सिंह। गलती कीती सी पर उस गलती नूं अपने खून दे नाल धोता। जदों खदराने दी ढाब ते होई जंग दे विच शहीद हो गए, उन्हां दे विचों इक सिंह सिख भाई महा सिंह जी, मेरे पातशाह जी दा प्यारा, उसने पातशाह दे अगे बेनती कीती कि पातशाह साडी गलती नूं माफ कर दित्ता जावे, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਦਾਵਾ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗੰਢ ਲਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਬੇਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗੰਢ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਇਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ, बस दे रहा साडे झुकण दी, बस दे रहा साडी कि असी अपनियां गलतियां नूं मन जाइए। गलतियां मनण तों भाव इह नहींगा कि मेरे कलगीधर पातशाह, मेरे वाहिगुरु अकाल पुरख जी नूं साडियां गलतियां दे बारे पता नहीं आ कि ओह अणजाण ने, नहीं, ओह अंतर जामी पातशाह सब कुछ जाणदे ने, दिलां दीआं जाणन वाले, उहनां नूं सब पता है कि आपां की कर रहे आ, की करना चाह रहे आ, पर एक वार ओ साडे मूहों सुनना चाहुंदे ने। जिस दिन भी आपां अपनियां गलतियां नूं मन गए,
उस वाहेगुरु अकाल पुरख जी दे बेनती कर दी कि वाहेगुरु जी साडिया भी कीतिया हुई भुलां नूं बख्श दो। तो मेरे कलगीधर पातशाह ने पल भी देर नहीं करनी, सानू भी उन्हां 40 मुक्तियां दे वांग माफ कर देंगे, बस देर साढ़े झुकण विच आ। तो फिर आओ इस दिन का पूरा पूरा लाहा लईए। इस दिन जदों भी आपां सवेरे अमृत वेले उठ के इशनान करना है, तां इशनान करन तों पहलां जपजी साहिब जी दी बाणी पढ़ के, फिर चौपाई साहिब जी दी बाणी पढ़ के, छे पौड़ियां आनंद साहिब दा जाप करके कलगीधर पातशाह दे चरणां दे विच बेनती करनी आ, अरदास करनी आ कि पातशाह मेरे कोलों भी जाने अनजाने दे विच बहुत भुल्लां हो गईआं, बहुत गलतियां हो गईआं, उन्हां सारियां ही गलतियां नूं माफ करके मेरियां कीतियां हुईआं भुल्लां नूं बख्श दो अते मैनूं भी अपने चरणां दे विच थोड़ी जिन्नी जगह दे दो। पातशाह मेरी झोली दे विच अमृत वेले दी दात, नाम दी दात, अपने घर दा सिक्खी सिद्धक भरोसा दान बख्श दो मालका। ता देखना मेरे कलगीधर पातशाह साडी भी कीती हुई इस अरदास नूं, साडे कीते हुए इस तरले नूं जरूर मंजूर करनगे अते साडे उत्ते भी कृपा करनगे। बस देर हुंदी आ झुकण दी, मेरे वाहेगुरु अकाल पुरख जी तां पल नहीं लाउंदे, अपने प्यारे दे अपने सिखां दे सारे दुख दूर कर दिंदे ने। तां आओ माघी वाले दिन भाव 14 फरवरी नूं जदों भी अमृत वेले उठना है, अमृत वेले उठण के इशनान करन तों पहलां इह बाणी पढ़ के अरदास बेनती करनी आ अते सदा दे लई उस वाहेगुरु अकाल पुरख जी नूं मंग लेना है, क्योंकि जो वाहेगुरु अकाल पुरख जी नूं मंग लिया, जो दाता देन वाले नूं मंग लिया, तई दुनियावी दाता सुख पदार्थ अपने आप आ जाएंगे। इस करके इस दिन सिर्फ ते सिर्फ गुरु नूं मंगना है, गुरु कोलों अमृत वेला मंगना है, नाम दी दात मंगनी है, अपनी टुट्टी हुई प्रीत नूं गंढण दी अरदास करनी है, अपने भरोसे नूं पक्का करन दी अरदास करनी है। ते जे किते मेरे कलगीधर पातशाह जी ने साडे ते तरस खा लिया, साडे उत्ते भी कृपा कर दित्ती, तां दिन बदलदिआं देर नहीं लगनी। तां आओ रल के अरदास करिए कि हे वाहेगुरु अकाल पुरख जी, जद मैं अज इशनान करां तां मेरे तन दी मैल दे नाल नाल मेरे मन दी मैल भी दूर हो जावे, क्योंकि ये मन दी मैल है साडे विच विचकार दीवार बन के खड़ी है कि वाहेगुरु जी ये मेरे मन दी मैल दूर करो अते मैनूं हमेशा ही इसे तरह उद्दम ताकत बख्शना कि मैं अमृत वेले उठ के इशनान करके आप जी दी मिठी अते निग्गी बाणी नूं पढ़ के बाणी दे दसे हुए मार्ग दे उत्ते चल सकां।